मैं अर्थव्यवस्था के इस प्रस्ताव पे मेरे विचार रखना चाहता हूं। ये कहा जाता है कि सबसे अच्छी अर्थव्यवस्था वो है जहां कम से कम टैक्स भरना होता हो। बीजेपी ने शासन हाथ में लेने के बाद 16-17 का मैं आपको एक फिगर देता हूं, 11,01,008 करोड़ देशवासियों से टैक्स वसूल किया 16-17 में। एक साल बीता 17-18 और जो टैक्स वसूल किया गया वो 12,26,315 करोड़ रुपया देशवासियों से टैक्स लिया गया। एक साल में 1,65,000 करोड़ ज्यादा टैक्स की बढ़ोतरी हुई हो, ऐसी सरकार आज तक इस देश के इतिहास में नहीं आई है। ये मोदी की सरकार एक साल में इतनी टैक्स की बढ़ोतरी की गई। अर्थव्यवस्था होती है, त्यागमूर्ति सोनिया जी और मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, आखिर बैठे हुए ले इंसान की चिंता करके मनरेगा दिया, और भाजपा ने क्या किया, अर्थव्यवस्था कैसी की कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का बेटा, राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह का बेटा, जिसकी कंपनी थी 50,000 की, 2004 से 2014 तक नुकसान करने वाली कंपनी, सरकार बनी। अर्थव्यवस्था तो देखो, उस अमित शाह की बेटे की कंपनी 50,000 में से 80 करोड़ की बन गई, 80 करोड़ की। क्या इसे विकास कहोगे आप? और जो इस देश का नौजवान कह रहा था मैं पढ़ा लिखा हूं, मुझे रोजगार चाहिए, तो ये बीजेपी के नेता कहते हैं, अरे भैया पकोड़े बना लो, पकोड़े बनाना भी रोजगार है, पकोड़े बनाना भी रोजगार है। अगर पकोड़े बनाना रोजगार था तो अमित शाह के बेटे को पकोड़े सिखा दो और हमको सिखाओ कि 50,000 से 80 करोड़ कैसे पैदा होते हैं, वो हमको सिखा दो। ये वही लोग हैं, भाजपा ने अपने मित्रों के लिए दो योजना चलाई, एक है जनधन लूटो और दूसरी है उड़ान। जनधन लूटो और देश के बाहर उड़ के चले जाओ, ये भाजपा की अर्थव्यवस्था की अपने मित्रों के लिए योजना है। ये नहीं है कि प्रधानमंत्री को पता नहीं था, 26 जुलाई 2016 को एसवी हरिप्रसाद जी बेंगलोर से एक कंप्लेन देते हैं कि ये छोटा मोदी, नीरव मोदी और ये आपका भाई मेहुल भाई चौकसी देश से धन बाहर ले जा रहे हैं, आप चौकीदार हो, इसका पासपोर्ट रद्द करो, इसको अरेस्ट करो, वरना ये मालिया की तरफ आ जाए। और ये बताने के बाद प्रधानमंत्री के वहां से रिसीप्ट आता है कि आपका कंप्लेन मिला है और फिर भी चले जाने देते हैं, इसे आप चौकीदार कहोगे या भागीदार? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये चौकीदार है या भागीदार? इधर भी बोलिए, ये चौकीदार है या भागीदार? चौकीदार के नाम पे चुनाव जीत के भागीदार बन जाने वाले लोगों के बात मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता हूं। मेरी बात खत्म करते हुए राजीव गांधी जी का एक जो कोट है, राजीव गांधी जी ने अर्थव्यवस्था के बारे में जो कहा था उसके सिर्फ चंद लफ्ज बोल के मेरी बात खत्म करता हूं। आई कोट, डेवलपमेंट इज नॉट ऑल अबाउट फैक्ट्रीज, डैम्स एंड रोड्स, इट इज अबाउट पीपल। द गोल इज मटेरियल, कल्चरल एंड स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट ऑफ द पीपल। द ह्यूमन फैक्टर इज ऑफ सुप्रीम वैल्यू इन डेवलपमेंट। आई अनकोट, हमारे नेता राजीव गांधी जी का एक कोट था, आज देश को उसकी जरूरत है। इन्हीं लफ्जों के साथ मेरी बात खत्म करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।